नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज मैंने जो थंबनेल देखा होगा आपने कि सभी केसेस जो है वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सभी परेशानी का अंत हो जाएगा। ये बात सत्य है कि अगर आप इस पड़ाव पर हैं, इस स्टेज पर हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो कल यानी कि 9 तारीख को आपके सामने शनिवार दिन शनिवार को लोक अदालत होगी। उस लोक अदालत में आप अपना जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी आपका कोर्ट में न्यायालय में कोई बात चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसको आप लोक अदालत के द्वारा समझा सकते हैं, उसको उसका समाधान करवा सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना आए। अब वो कैसे करनी है, कौन कौन से केसेस आपके लिए ज़रूरी है कि आपके केसेस जो है वो लोक अदालत में ख़त्म हो जाएंगे और किस तरीके से इस प्रक्रिया को अपनाना है, वो आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक जरूर जानकारी को शेयर करें। सबसे पहली बात, लोक अदालत में पहले बता दूं कि लोक अदालत होती क्या है और किस तरीके केसेस उसमें आते हैं। लोक अदालत का जो मतलब है वो ये है कि आप लोक अदालत में उन केसेस को सॉल्व कर सकते हैं जो कंपाउंडेबल हैं, यानी कि समझौते के आधार पर ख़त्म होने योग्य वाले जो केसेस हैं, उन केसेस को आप जो लोक अदालत है वहाँ पर आप ले जा सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर लोक अदालत के द्वारा अगर आपका कोई मैटर सॉल्व हो गया है, तो उसकी आप अपील भी किसी अदर किसी सुपीरियर न्यायालय में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो आपके समझौते के आधार पर ही होगा और उस फैसले की आप किसी भी कोर्ट में कोई अपील वगैरह आप फाइल भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि अब बात करते हैं कि जो लोक अदालत है वो किन किन लोगों के लिए है, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। मैंने बताया कि कंपाउंडेबल केसेस हो सकते हैं, जो जो केसेस समझौते के आधार पर ख़त्म हो सकते हैं वो हो सकते हैं। अब कौन कौन से वो केसेस हैं जो समझौते के आधार पर हो सकते हैं, आप देखिए पति पत्नी की सबसे बात करते हैं, सबसे पहले हस्बैंड वाइफ की, तो हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल हैं और आसानी से उसको समझौते के आधार पर ख़त्म किए जा सकते हैं, जैसे 406 हो गया। दूसरा जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हो गया, ठीक है, सेक्शन 9 हो गया। इस तरह के केसेस जो हैं, अगर आप डाइवोर्स का भी करेंगे तो डाइवोर्स का भी उसमें हो जाएगा, लेकिन आपका पहले से फाइल होना चाहिए और आप जो है समय के जो टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने का या फिर फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन में आप आ गए हैं तब करा सकते हैं उसके लिए। तो ये कंडीशंस हैं। तो ये जो मतलब जो कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर केसेस हो सकते हैं, अब बात करते हैं, मान लो ये मैंने आपको बताया हस्बैंड वाइफ का, दूसरे भी हो सकते हैं, 3, 3, 5, 4, 5, 6 के हो सकते हैं, या फिर कोई गाली गलौज मारपीट छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हो सकती है, यानी कि जो पिटी केसेस हैं, जो समरी ट्रायल्स हैं, वो केसेस जो हैं वो उसमें सॉल्व हो सकते हैं। और बात कर रहे हैं बैंक से संबंधित हो सकते हैं, आपने लोन लिया, आप लोन के आपके आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपके ऊपर रिकवरी वारंट आ रहा है या फिर किसी और की प्रकार की आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो उससे बचने के लिए आप सीधे लोक अदालत में अपना केस लगा सकते हैं और लगवाने के बाद सॉल्व करा सकते हैं। या फिर एक्सीडेंटल केसेस वगैरह हैं कोई भी आपके, तो वो केसेस उनको आप सॉल्व करा सकते हैं कि हम दोनों पार्टी जो है वो रजामंद हैं और आप ख़त्म करा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर हो सकती हैं, उन केसेस को आप लोक अदालत में लगवा कर सेटलमेंट कर सकते हैं, ये ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके लिए प्रक्रिया क्या है, मैंने बताया ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है, किस तरीके से लोक अदालत को ये अपना जो केस है वो पहुंचना है लोक अदालत तक, क्योंकि हर प्रकार के केसेस जो है वो अपने अपने कोर्ट में जाते हैं, यानी कि कोई सिविल का तो सिविल में चला जाएगा, क्रिमिनल का क्रिमिनल कोर्ट में चला जाएगा, लेकिन हमारा लोक अदालत में कोर्ट कैसे, क्या सभी केसेस लोक अदालत में जाते हैं, नहीं। क्या कुछ केसेस जाते हैं, नहीं। वो केसेस जाएंगे जिन केसेस में आप अपनी दोनों पार्टी जो है वो रजामंद हैं और दोनों पार्टी ने अपने वकील के द्वारा आप एक एप्लीकेशन लगवाएंगे कोर्ट में कि हम जो है अपना जो ये डिस्प्यूट है वो लोक अदालत के माध्यम से निर्णय करना चाहते हैं, हम दोनों पार्टी जो है रजामंद हैं, तब जाके आपको कोर्ट जो है वो एक नोटिस भेजेगी, नोटिस पर आप दोनों आएंगे, आने के बाद अपने बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे, तो कोर्ट आपको सुनेगी और दोनों का जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा उस कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे को ख़त्म करा दिया जाएगा। अब वो मुकदमा जो है जो मैंने अभी बताया, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, बैंक से रिलेटेड हो, लोन से हो, या आपका पति पत्नी का हस्बैंड वाइफ का फैमिली मैटर हो, कुछ भी मैटर अगर हो सकता है तो उस मैटर को आप इस तरीके से आप सॉल्व करा सकते हैं, अगर दोनों पार्टी जो है रजामंद हैं तो। अब कभी कभी क्या होता है कि
आपको ये डर लगता है सर कि मैंने अगर लगवा दिया तो कोर्ट मुझे नोटिस भेजेगा, और मैं नहीं गया तो कोई दिक्कत मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। आप नहीं गए इसका मतलब आप रजामंद नहीं है, राजी नहीं है आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। आप कुछ लोग ये सोचते हैं सर मैं वहाँ चला गया मुझे जबरदस्ती करेगी, बिल्कुल नहीं करी जाएगी आपके साथ में जबरदस्ती। आपकी मर्जी करे, आपका मन करे कि मेरा ठीक है, मैं रजामंद हूँ, मेरी राजी है, दोनों पार्टियों की राजी है कि चलो ठीक है ख़त्म करो केस, तभी आप दोनों कोर्ट में स्टेटमेंट दें, अपना बयान दें, और वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। कोई भी किसी प्रकार किसी पर भी कोई भी पार्टी पर जवाब मतलब दबाव वगैरह या जबरदस्ती जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है, आपकी रजामंद है, तभी ये केस जो है वो वहाँ लोक अदालत जाते हैं। और लोक अदालत में जो काम आपका सालों साल से पेंडिंग है या फिर आने वाले सालों साल चलेगा, वो एक ही झटके में एक ही तारीख में ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है आपको लोक अदालत का। अब बात करते हैं कि लोक अदालत में जाने से पहले किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जो आपने पार्टी ने नो मतलब लोक अदालत के लिए अप्लाई किया कि मेरा केस जो है लोक अदालत में जाना चाहिए, तो वहाँ पर दोनों पार्टी पहले से पहले अपना सेटलमेंट वगैरह जितना भी है एक एडवोकेट के माध्यम से बनवा सकते हैं। और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ इसमें, कि आप अगर किसी प्रकार से नहीं भी है, मान लो आपके पास एडवोकेट नहीं है, तो आप बिना एडवोकेट के भी आप अपीयर हो सकते हैं, आपको इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे आपसे पूछा जाएगा हाँ आप राजी हैं, रजाबंदी कितना, सेटलमेंट किस पर है, वो सब कुछ लिखते हुए वो कोर्ट ही, माननीय न्यायालय एक चीज़ को लिख देती है, और लिखने के बाद वो कोर्ट को कोर्ट ही सेटलमेंट कर देती है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट लीगल कागज की आवश्यकता बिल्कुल आपको नहीं है, सीधे सीधे आप जो बयान देंगे स्टेटमेंट देंगे उसी के आधार पर आपका केस खत्म हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इसमें कोई घबराने की डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लोक अदालत एक आप ही के लिए है, जो कि एक जनहित के लिए है, ताकि भविष्य में, ताकि जो लोग सालों साल से एक छोटे छोटे केसेस के लिए तारीख पे तारीख लगा रहे हैं, उन तारीख से बचने के लिए, उन तारीख से जो जो लिटिगेशन से लिटिगेशन चार्जेस लगते हैं, व्यक्ति अपना समय महत्वपूर्ण समय छोड़कर कोर्ट में आता है, फिर धक्के खाता है, फिर वहाँ वकील को पैसे देता है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचने के लिए रास्ता है कि आप सीधे सीधे कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिलवाएं, खुद भी दे सकते हैं, नहीं तो आपका वकील तो थोड़ा बहुत हो गई उसके द्वारा भी दे सकते हैं कि भाई 9 तारीख को मेरा मीडिएशन है या फिर लोक अदालत है, उसमें मेरा केस लगाया जाए। ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जो है वो सीधे सीधे, आज का टाइम तो निकल गया, अगर आप आज भी कहोगे ना, कल सुबह भी जा कहोगे, तो कोर्ट में हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन सुनवाई जो है वो हो जाए। तो जितने ऐसे में ये आप देख रहे हैं वीडियो, तुरंत अपने परिजनों के लिए, दोस्तों के लिए, या जो भी मुकदमे में चल रहा है उसको तुरंत शेयर कराइए। अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर वो अपना जो बहुत सालों से पुराना मुकदमा है, चल रहा आ रहा है, परेशान है बेचारा, तो उससे वो समझ कर इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दे। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही कल ही लगेगी, उसके बाद हर महीने या फिर किसी किसी कोर्ट में महीने लगता है, कि तीन महीने बाद तो नेशनल लगती है, लोक अदालत होती है, तो आप नेशनल लोक अदालत में हर 3 महीने में एक बार लगती है, तो वो आपको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लो ये छूट भी जाती है, तो हर कोर्ट में जो है वो अपने हिसाब से वो पूछ सकते हैं आपके सर नेक्स्ट लोक अदालत कब है, तो आप पूछ लेंगे, वो डेट पर ले जाएगी, उस डेट पर से पहले आप एप्लीकेशन लगवा सकते हैं, उसके आधार पर आपका केस जो लोक अदालत को ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप अपने परिजनों के लिए, दोस्तों के लिए, मिस रिश्तेदारों के लिए जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जो है समझकर अपने केसेस जो है जो सालों साल से पेंडिंग पड़े हैं, परेशान है, उस चीज़ को ठीक करा सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों तक जरूर से जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।